के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमेशा ही एक्टिव मूड में रहते हैं। वो राज्य में हो रही हर गतिविधि को लेकर हमेशा ही सतर्क रहते हैं। इसी क्रम में आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कोरोना के मुद्दे को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य में 12 करोड़ लोग हैं, जिसमें से अभी तक 12 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की मीडिया से पूरी बातचीत। बिहार सरकार ने कितना किया, प्रवासी मजदूरों को पहले ही झोंक में जैसे ये संकट आया उनके खाते में 200 करोड़ रुपए शुरू में ही डाल दिए। उसके बाद भी बहुत पैसा दिया, यहाँ सबके लिए फ्री राशन, जिनका यहाँ तक कि राशन कार्ड नहीं उनके भी भोजन की व्यवस्था की गई, सारे लोगों को खाने की पीने की सबकी व्यवस्था की गई। जो आए हैं उनको भोजन की थोड़ी दिक्कत है, किसी क्वारंटाइन सेंटर में वो इमोशनली चार्ज है, वो समझते हैं हम क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहेंगे, हम अपने घर जाएंगे। मजदूर हैं वो बिहार के बेटे हैं तो बिहार नहीं आएंगे क्या? बिहार को जितना हमारा हक है उतना ही एक गरीब के बेटे का भी हक है ना, वो रोजी रोटी के लिए बाहर गया है। आज इस संकट में 2 महीना से जहाँ रहा है इतना तकलीफ में इतना परेशानी झेल करके वो आज आना चाहता है, अपने परिवार से मिलना चाहता है तो आएगा। अब ये हम लोगों से उनके साथ पूरी हमदर्दी हम लोगों की, लेकिन ये हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो सरकार ने SOP निर्धारित किया है उसका पालन करें, डॉक्टर के साथ सहयोग करें, पुलिस के साथ सहयोग करें, आएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, बॉर्डर पर ही आपके स्वागत की तैयारी है, आपके खाना के नाश्ता की नहाने की क्वारंटाइन सेंटर भी बना हुआ है, वहां आपको पूरा सम्मान के साथ रिसीव किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आपका स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको भोजन दिया जाएगा, उसके बाद आपको आपके ब्लॉक में पहुँचा दिया जाएगा, वहाँ भी स्क्रीनिंग होगी, क्वारंटाइन पीरियड वहाँ बिता करके सुरक्षित रूप से अपने घर जाएं ताकि आपका परिवार आपका बाल बच्चा गांव घर सब कोई सुरक्षित। समझ गए, उन्होंने लिखा है वो पुरानी बात हो गई, IG हेडक्वार्टर ने चिट्ठी लिखा है, स्वास्थ्य सचिव हमारे बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही गंभीरता से वो हम लोगों की बात को संज्ञान में भी लिया जाता है, सरकार उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है, वो सब व्यवस्था हो कराया ना, सबको कराया, सबको कराते हैं। आरा में कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया, ये BMP में कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया, बेगूसराय में क्वारंटाइन किया, जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी एक जिला से दूसरे जिला में ड्यूटी करने जाते हैं पहले उनको क्वारंटाइन करते हैं, 14 दिन रखते हैं उसका यानी, और अगर कोई सिम्टोमेटिक मिल गया तो फिर उसका टेस्ट भी कराते हैं। BMP में मिला, एक ही कैंपस में 3 है, BMP 5 भी है, 10 भी है, 14 भी है, पूरा सर्वे किया गया, एक एक आदमी की स्क्रीनिंग की गई, सैंपल टेस्ट लिए गए, 77 आदमी का सब निगेटिव आया। तो हम लोग पूरा, वो सरकार उसके लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, उससे कोई हम लोगों को शिकायत नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री का भी बॉडीगार्ड हो सकता था, मुख्यमंत्री का भी बॉडीगार्ड हो सकता था, हमारा बॉडीगार्ड भी हो सकता था, किसी भी IP के साथ, किसका बॉडीगार्ड है, IPS का था या IAS का था या किसका था, इससे क्या मतलब, संक्रमण तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। एक हमारा आदमी सेवानिवृत्त हुआ, सेवानिवृत्त होने के बाद लॉकडाउन में फंस गया, झारखंड का रहने वाला, उसको बाहर से कहीं इन्फेक्शन हुआ, वो बैरक में रहता था, वहाँ 5 आदमी 7 आदमी 8 आदमी रहते थे, कुछ लोगों का आना जाना रहता था, ये क्यों नहीं न्यूज बनाते कि 77 आदमी का हमने टेस्ट कराया वहाँ पर सब निगेटिव आ गया। आया है तो ठीक है, उसको आइसोलेशन में रखा गया है, उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग, जो आपका सवाल था कहाँ आता था कहाँ जाता था पूरा उसका मोबाइल से CDR निकाल रहे हैं हम लोग एक एक केस को बहुत गंभीरता से देखते हैं और लॉजिकल इंड तक ले जाते हैं और हम लोग उसको। एक बात हमको बताओ, बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 12 आदमी भी कोरोना से मरा, 1 करोड़ में 1 आदमी भी कोरोना से मरा, और जो भी 5-6 डेथ हुई उसके पीछे कोरोना के अलावा भी बहुत जटिल बीमारियों का मामला था। तो आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बिहार कितनी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है, और राज्यों से आप इसकी तुलना करके देखिए, मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली ही हो चाहे दुनिया के बड़े बड़े देश हों, उसकी तुलना में देखिए कि 12 करोड़ आबादी में 12 आदमी भी नहीं मरा, 1 करोड़ में 1 आदमी भी नहीं मरा,
तो कितनी मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं इस बात पर। 1 लाख की फोर्स है, 23 आदमी को अगर कह रहे हैं कि संक्रमण हो गया, ये बहुत कम है। हमारे पास कोई रक्षा कोच थोड़े ही है, हमारे सिपाही, हमारे हवलदार, हमारे थानेदार, चाहे एसपी डीएसपी, किसी रैंक का कोई, इवन मैं रेड जोन में जाता हूँ, आज भी जा रहा हूँ, यहाँ से निकलूँगा, आपसे बात करके मुंगेर जाऊँगा। मुंगेर आप जानते हैं 100 से अधिक पॉजिटिव केसेस मिले हैं, वो रेड जोन है। कंटेनमेंट जो जोन है, कंटेनमेंट एरिया में जाता हूँ व्यवस्था देखने, किस तरह से हमारे लोग वहाँ खड़े हैं मुस्तैदी से, किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं और किस तरह से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है। तो हमारे पास कोई रक्षा कोच थोड़ी ही है। तो फ्रंट पर जो मोर्चे पर लड़ाई जो सैनिक लड़ता है, गोली उसी को लगती है। तो हमारे 1 लाख लोग इसमें काम में लड़ रहे हुए हैं, 10-20 आदमी को अगर पॉजिटिव केस आ गया तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये कोई अंत थोड़े ही है। लेकिन हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता की ताकत, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन हमारे साथ है। हम लोग इस लड़ाई में जीतेंगे, कोरोना को हारना होगा। लेकिन सर, जो लोग तो निकलेंगे, पास लेकर के लोग निकल रहे हैं आवश्यक काम से, तो लोगों को रोड पर निकलते देख कर तो आम जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि कोई छूट है और हम भी निकल सकते हैं। आम जनता के लिए कोई छूट नहीं। हमारे साथ